अभी हम लगातार एचपी बेंच पे जाने वाले हैं एंड इज नॉट फीलिंग बेटर. ट्रस्ट मी यू विल बी फाइन. चलो सोचो अभी ज्यादा रात भी नहीं हुई. मैं तो सोच रहा हूँ रात में बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर जाना है. हाय गाइस फ्रॉम शिमला. पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को बार बार शिमला की जगह श्रीनगर हम कोशिश कर रहे हैं बट फाइनली इस बार एवरीथिंग इज प्लान्ड और हम यहाँ पर हैं. कल रात हम देहरादून से निकले और वी टुक द बस HRTC की बस से विच आई वुड से इज ब्रिलियंट. मतलब कम्फर्ट वाइज भी अगर आप सोच रहे हो आने की और कन्वीनियंस के तौर पे अगर आप HRTC की बस लेते हो तो वो बहुत अच्छी है. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 900 to 1000 रुपीज. हमने वहाँ से स्टार्ट नहीं करा क्योंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे उस टाइम पे. टू हेक्टिक रिगार्डिंग आवर वर्क्स. उसके बाद फिर आना वापस आना एंड बोर्डिंग द बस और रात की हेक्टिक जर्नी. ऑल्दो यू कैन सी द स्टोरीज बट टोटली रिकॉर्ड नहीं किया है. और आज भी हमको कुछ प्रिपरेशंस करनी थी बाइक रेंटल्स क्योंकि हमने स्क्रैम लिए हिमालयन स्क्रैम फॉर द फर्स्ट टाइम और तो वो हमें पड़ी अराउंड 1800 रुपीज की पर डे और 3000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट था. वी विल गिव यू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Tomorrow we'll be leaving for Kalpa. For those who know us, उनको पता है that we are not the morning persons. But still, खास करके जब हमारी bike trips and all होती है, तब we try to. So we are quite disciplined. Well, good morning, guys. सुबह के 6 बज रहे हैं and we are almost ready to leave. पता नहीं कैसे पर हम उठ गए time से. It was me जिसने determination दिखाई और उठ गया. So we must be leaving now. तो ब्रेकफास्ट रास्ते में ही करेंगे. सबसे टफ काम जो होता है हमारा इट्स दिस. रुको लेट मी आप पकड़ रहा था. ज़ारा इज क्वाइट वर्ज हमारे बैग बांधने के अंदर हमेशा वही रख से एक बांधती है. रिजिड है ना पक्का. हाँ रिजिड लग रहा है. We started our journey from Shimla. हमने जहाँ से बाइक रेंट करी he was kind enough to prepare an entire itinerary for our trip. लेकिन due to shortage of days, we modified our itinerary. Ride के 15 minutes में ही we reached Sanjoli. Morning में हमें सब कुछ close मिला but this is the best place to eat and shop without the rush of Shimla. संजौली के बाद पड़ता है हमारा थियोग और उसके बाद है नारकंडा. हमारा गोप्रो दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से रुकना पड़ रहा है. बैटरी बदलेंगे अब नारकंडा में. क्या हुआ बैटरी वो गई? मेरे ख्याल से. ऑन द वे फ्रॉम थियोग टू नारकंडा वी क्रॉस्ड मेनी एप्पल ऑर्चर्ड्स बिसाइड द रोड. You can clearly see them spread it throughout the mountain covered with white sheets. और सच में ऐसा लगता है कि mountains बर्फ से ढके हैं. जैसे ही apple orchards आपकी नज़रों से ओझल होंगे you will come across a huge devdar trees. This is one of the best sights of the ride guys. So सबसे पहला stop हमारा नारकंडा. 55 किलोमीटर फ्रॉम नारकंडा. अभी हो रहे हैं अराउंड 8 o'clock.
हाँ 2 घंटे लगे, वैसे 1.5 आवर्स का रास्ता है, बट क्योंकि फर्स्ट डे था तो इसलिए थोड़ा है। एक बार कंफर्म कर लो यार कि अभी कुछ मिल जाएगा कि नहीं नाश्ते में, पूछ लो एक बार। किससे पूछूं? अच्छा कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कुछ खाने का, यहाँ तो नहीं हो जाएगा खाने का यार। एक्चुअली ये इन कैंप्स में हम पहले रुक चुके थे, यहाँ का खाना अच्छा होता था। या चलो कोई नहीं, चलो थोड़ा आगे ढूंढते हैं, आगे देखते हैं, मैगी खाएंगे शायद। गोप्रो ठीक करता हूँ थोड़ा। अच्छा हाँ गोप्रो तो करना है। अगर कोई यहाँ पर आना चाह रहा है दे कैन स्टे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो देख सकते हैं आप ये पूरे कैंप्स हैं वहाँ पर और ये है आपके गवर्नमेंट कैंप्स हैं। अच्छे रेट पर यू कैन स्टे हियर। यू कैन फाइंड दिस इजीली ऑन गूगल और एनी ट्रेवल वेबसाइट। दोबारा चलें? चलो। अब हमें एक और प्लेस मिल चुकी है जहाँ पे नाश्ता करेंगे। हमारी फेवरेट प्लेस तो बनती है जिसके लिए हम इतने दूर से आ रहे थे सीरियसली। एंड लुक एट द व्यू। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये हैं एप्पल ट्रीज जो इन्होंने कवर कर रखे हैं ग्रोथ के लिए। एंड वो देखो पीछे पूरा लुक। पराठा गोभी का और गोभी का आलू प्याज का तो अच्छा है। यहाँ पे होल व्यू आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो यू वुड रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो नारकंडा से तो यहाँ पे रुको। जगह का नाम हम बता देंगे क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता हम इतनी भूख लगी बस हम बैठ गए हैं। गाइस हो चुका है ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी विल बी लीविंग फॉर रामपुर एंड यू कुड ईट आउट हियर इफ यू वॉन्ट। दे प्रोवाइड यू विद वेरी ऑसम पराठे। चलो फिर निकलते हैं। देयर इज अ बाइक। जैसे ही हम आगे बढ़े द एंटायर लैंडस्केप चेंज्ड। आफ्टर अ डिसेंट ऑफ मेनी एचपी बेंड्स वी सॉ द रिवर सतलुज। शिमला से कल्पा के बीच ये एक लौता रोड पैच है जो आपको अभी खराब मिलेगा। वर्क इज इन द प्रोग्रेस सो होप आने वाले टाइम में दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव। एंड आफ्टर दिस वी रीच रामपुर बुशाहर। हमारे बाइक ओनर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ स्टे करना चाहिए था पहले दिन, बट वी ऑप्ट फॉर अ बेटर ऑप्शन। जैसे ही आप रामपुर से थोड़ा आगे निकलते हैं किन्नौर के खूबसूरत पहाड़ और खतरनाक रोड आपका वेलकम करते हैं। दिस रोड कम्स अंडर द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ इंडिया। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड मोस्ट डेंजरस, वेल यू विल कम टू नो इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रोड की विड्थ कम होती जाती है एंड एलिवेशन बढ़ता रहता है। दिस रियली गेट्स यू दैट एड्रेनालिन रश। One mistake and you'll be gone. So this is one of the best.
फाइनली वी आर हाफ आवर अवे एंड वी विल रीच रिकोंगपियो टुडे स्टॉप एंड आदि इज गोइंग टू हैव हिज फेवरेट राजमा चावल. मतलब बहुत हैरानी वाली बात नहीं है आदि की यहाँ पर भी आपको राजमा चावल मिल गए. शिमला टू गाजा अराउंड 420 किलोमीटर्स है. फनी नंबर है ना. तो हमें अराउंड 12 आवर्स लगेंगे पर क्योंकि हम रुक रुक के जाएंगे सो वी विल मेक दिस राइड लॉन्गर एंड इंटरेस्टिंग दैट्स फॉर श्योर. अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है देन यू कैन ऑल्सो विजिट सांगला एंड चिटकुल विलेज. दीज आर हाईली रिकमेंडेड. इसके लिए भी आपको मेन रूट से हटकर जाना पड़ेगा एंड डेट विल बी अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम करचम डैम. After riding for almost 250 kilometers from Shimla, we stopped at our first stay of Kalpa. Rikongpio के लिए आपको 10 to 11 kilometers main route से हटकर जाना पड़ता है and Kalpa उससे भी 6 kilometers आगे पड़ता है. Both are pleasant places to stay. और यहाँ से आपका क्लासिक रॉकी रास्ता स्टार्ट हो जाता है. दिस इज़ द मोमेंट दैट वी रियलाइज दैट वी आर रियली ऑन आवर स्पिति ट्रिप. जैसे ही यू गेट डीपर इनसाइड द माउंटेन्स यू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सेंसेस, फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस एंड द फ्रीडम ऑफ नोइंग दैट रोड्स आर मोर देन जस्ट अ वे टू रीच योर डेस्टिनेशन. ये आपकी पूरी रिकोंगपियो की मार्केट है. You can get sufficient amount of everything that you want. वहाँ पे आप लाइक शोरूम इफ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग. अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हम निकल गए कल्पा के लिए जो 15 मिनट दिखा रहा था बट राइडिंग थ्रू दोज एच पी बेंड्स एंड पूरे दिन की थकान की वजह से पूरे हाफ आवर बाद वी रीच टू सी दिस ब्यूटिफुल व्यू. Amazed with what happened in the next chapter of our Spiti Diaries. Stay tuned with us. यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज. वो आवाज़ ही और specially जब आपने ये वाला door खोला तो it's like the wind is gushing. हर रॉकी को तो सुनने से लिखा है. हाँ यार. ये वाला हमारा कैंप है. We are in a elevation of around 3,800 meters. रात में थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम और सोने में थोड़ी परेशानी हुई एंड हेडेक. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट विल रियली हेल्प अस टू मेक मोर वीडियोज इन फ्यूचर एंड ट्रस्ट अस वी हैव गॉट सो मच टू शो यू.